गाइस हमने कॉमिक्स में दो यूनिवर्स को मर्ज होते हुए कई बार देखा है, पर इस हफ्ते हमने ये असली में होता हुआ देखा जब डिज्नी ने अनाउंस किया कि वो 21st सेंचुरी फॉक्स को 52.4 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर करने जा रहा है। इस चीज से डिज्नी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट में बहुत आगे निकल जाएगा। पर इस न्यूज से ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डेडपूल मार्वल फैमिली की छत्रछाया में आने वाले हैं। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिज्नी फॉक्स डील से हम मार्वल फैंस को क्या फायदा होने वाला है। तो अपनी अपनी खुशी संभालते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस डील के फायदे बताना शुरू करूं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम यहाँ 52.4 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, यानी 3,35,682 करोड़ रुपए, जिसका मतलब इस डील को क्लोज होते होते एक साल लग जाएंगे। और कभी कभार अमेरिकन गवर्नमेंट इतनी बड़ी डील को स्लो भी कर देती है, पर फिर भी चलिए अभी ये मान के चलते हैं कि सब बढ़िया होगा। तो अब बात करते हैं फायदों की। सबसे पहले बात करते हैं विलन्स की। फैंस को एमसीयू से इस बात की कभी शिकायत नहीं रही कि एमसीयू में एक्समैन या फैंटास्टिक फोर क्यों नहीं है, बल्कि फैंस को शिकायत थी कि मार्वल के पास अपने सबसे बड़े विलन्स नहीं है, जो कि है मैग्नीटो, गैलेक्टस और डॉक्टर डूम। बेशक लोकी बहुत बढ़िया था, हेला कमाल की थी और थैनोस तो जबरदस्त होगा, पर काइसिलियस और रोनन से मतलब किसको है। तो अब जब मार्वल के पास उसके कैरेक्टर्स वापस आ जाएंगे तो अब हमें ये आइकॉनिक विलन्स एमसीयू में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर की। डिज्नी फॉक्स डील की सबसे बढ़िया बातों में से एक है फैंटास्टिक फोर। फैंटास्टिक फोर मार्वल कॉमिक्स की पहली सुपरहीरो फैमिली है, जो कि कई सारे मार्वल फैंस के दिलों का हिस्सा है। पर 21st सेंचुरी फॉक्स आज तक एक अच्छी फैंटास्टिक फोर मूवी नहीं दिखा पाया और 2015 में उनका किया हुआ रिबूट एक अलग ही बातचीत निकली। पर अब ये डील हो रही है तो अब हमें एक नई फैंटास्टिक फोर टीम दिख सकती है, जो कि हम जानते हैं कि ऑसम होगी, क्योंकि वो एमसीयू की फैंटास्टिक फोर होगी। अब बात करते हैं एक्समैन की। मार्वल बेशक से सुपर हीरो मूवी के मास्टर हो, पर ये सिलसिला शुरू किया था फॉक्स ने पहली एक्समैन मूवी से, जिसने मार्वल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने कैरेक्टर राइट्स बेच के कितनी बड़ी गलती कर दी। एक्समैन की हर मूवी बेशक जबरदस्त ना हो, पर इन्हीं मूवीज ने सुपर हीरो मूवीज का बार सेट किया है। चाहे हम बात करें इस फ्रेंचाइजी की वुल्वरीन, प्रोफेसर एक्स या हम बात करें क्विक सिल्वर के ऑसम सीन की, एक्समैन मूवीज कहीं ना कहीं सही जा रही थी। पर इस डील के साथ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फैंस को इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कैसे मार्वल ने हम फैंस को एक नया और बेहतर स्पाइडरमैन दिया है। हालांकि ह्यूग जैकमैन एक बार बोल चुके हैं कि वो वुल्वरीन के रोल में वापस आ जाएंगे अगर एक्समैन एमसीयू में होगा। तो अब देखना ये है कि क्या हमें ह्यूग जैकमैन वुल्वरीन के रूप में वापस दिखेंगे या नहीं। अब बात करते हैं डेडपूल की। फॉक्स अगर किसी मार्वल कैरेक्टर से दबा के प्रॉफिट कमा रहा था तो वो है डेडपूल, और अब हम फैंस को डेडपूल 2 भी देखने को मिलेगा। पर एक बात सब जानते हैं कि डिज्नी आर रेटेड मूवीज नहीं बनाता, जिसका मतलब फ्यूचर में शायद डेडपूल के रंग बदल जाएं। हालांकि डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने खास डेडपूल का नाम लेकर कहा है कि वो ऑडियंस को वो डेडपूल मूवी देते रहेंगे जैसी ऑडियंस चाहती है। अब बात करते हैं कुछ ऑसम स्टोरी लाइन्स की। हम सब जानते हैं कि कॉमिक की सिविल वॉर और मूवी वाली सिविल वॉर में किस चीज की कमी थी, कैरेक्टर्स की। तो अब हम फैंस उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्वल स्टूडियोज की मूवीज में भी वैसा ही दिखेगा जैसा मार्वल कॉमिक में दिखता आया है। साथ ही साथ अब हम कुछ ऑसम क्रॉसओवर्स की भी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, हाउस ऑफ एम, सीक्रेट वॉर्स, सिविल वॉर 2 और बहुत कुछ। अब बात करते हैं कुछ ऑसम कॉम्बोज की। मार्वल कॉमिक्स में कुछ जबरदस्त डुओज हैं, जिनके बीच की केमिस्ट्री के कई सारे लोग फैन हैं। ये डुओज हैं डेडपूल स्पाइडी, वुल्वरीन हल्क, ब्लैक पैंथर स्टॉर्म। तो अब जब डिज्नी फॉक्स की डील हो रही है तो हम फैन ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ये ऑसम डुओज मूवी में देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये थे कुछ फायदे जो हम सुपर हीरो फैंस को होने वाले हैं। पर फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इस डील के बारे में कोई और फैक्ट पता चला है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये बताएं कि आप एमसीयू में नए एक्समैन को देखना चाहेंगे या पुराने। ऊपर से लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल पे से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्वल के कैरेक्टर्स पहले कैसे बटे हुए थे तो हमारी मार्वल कैरेक्टर कॉपीराइट वाली वीडियो देखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।